आज के समय में दुबई पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। एक समय पर दुबई की अर्थव्यवस्था में 90% हिस्सा सिर्फ तेल के भंडार और प्रकृति गैस का हुआ करता था, लेकिन आज दुबई की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान सिर्फ 3% रह गया है। दुबई पूरे विश्व में खुद को टूरिज्म के रूप में डेवलप कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा गोल्ड मार्केट का भी है। दुबई का सोना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाला सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर सोना लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो के हिसाब से खरीदते हैं। दुबई का सोना दुनिया के किसी भी कोने में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। दुबई जाने वाले लोग सोने की खरीदारी किए बगैर अपने देश वापस नहीं आते। दुबई हर साल 1200 टन से ज्यादा सोना बेच रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहां से? दुबई में इतना सस्ता क्यों है सोना? क्यों दुबई के सोने को बेस्ट गोल्ड इन द वर्ल्ड कहा जाता है? और दुबई से आप कितना सोना अपने देश में ला सकते हैं? इन सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दुबई में लोगों को सोना खरीदने का कितना शौक होता है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। यहाँ के शेखों के पास इतना पैसा है कि उसे कहाँ खर्च करना है उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए दुबई में लोग अपने घरों में पेंट की जगह सोने की परत चढ़वाते हैं। आपको यहाँ सोने की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको सोने के टॉयलेट से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब देखने को मिलेगा। दुबई में सोने का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। कई मिठाई और डिशेज में सोने का इस्तेमाल उसे अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 6 से 7 दशक पहले दुबई में सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था। दुबई ने तेल के भंडारों से होने वाली मोटी कमाई से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही बेहतर बनाया। लेकिन सवाल ये है कि अचानक इस देश के पास इतना सोना कहां से आया कि आज पूरी दुनिया में होने वाले सोने के व्यापार में दुबई की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई है। दुबई औसत तौर पर हर साल 1200 टन से ज्यादा सोना बेच रहा है। असल में दुबई में सोने की खदान या सोने के कोई कुएं मौजूद नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका से दुबई तक बड़ी मात्रा में कच्चा सोना पहुंचता है। इसके अलावा सूडान, अल्जीरिया, घाना और कुछ सऊदी अमेरिकन देशों से भी दुबई कच्चे सोने का आयात करता है। आज के समय में दुबई के पास गोल्ड रिफाइन करने की दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी मदद से वो खराब और बेकार दिखने वाले सोने को भी चमकदार बना देता है। अभी सोने की सरकारी एजेंसियों द्वारा अच्छे से जांच की जाती है और फिर वो सोना दुबई के व्यापारियों तक पहुंचता है। दुबई में सोने के व्यापारियों से जुड़ी 4000 से अधिक कंपनियां काम कर रही है, जिनमें गोल्ड रिफाइनरी टेस्टिंग से लेकर ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी भी शामिल है। दुनिया भर के 50,000 से अधिक बड़े बड़े व्यापारी ने दुबई के गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। दुबई में गोल्ड सूक नाम का एक बाजार है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार माना जाता है। इस बाजार में लगभग 1000 दुकानें मौजूद है, जहां आपको वर्ल्ड की बेस्ट ज्वेलरी देखने को मिलेगी। सिंगापुरी डिजाइन से लेकर ईरानी और विश्व के डिजाइन तक हर प्रकार की ज्वेलरी आपको इस बाजार में देखने को मिल जाएगी। चारों तरफ सोना ही सोना देखकर यहां आने वाले पर्यटक हैरान हो जाते हैं। शायद इन लोगों ने इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में सोना अपनी आंखों के सामने देखा होगा, और यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक खुद को सोना खरीदने से रोक नहीं पाते। इतनी शानदार डिजाइन देखकर किसी का भी मन ज्वेलरी खरीदने के लिए करता होगा। भारत में वैसे तो हर फेस्टिवल और फंक्शन में गोल्ड पहनने का चलन सदियों से चला आ रहा है। हर साल 20 लाख से अधिक भारतीय दुबई घूमने के लिए आते हैं और यहाँ से सोना अपने घर लेकर आते हैं। दुबई से अब कितना सोना अपने साथ ले सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं सोना इम्पोर्ट करने के बावजूद दुबई में सोने का प्राइस इतना कम क्यों है। असल में गोल्ड एक लग्जरी आइटम माना जाता है और दुनिया के लगभग सभी देश गोल्ड पर कई प्रकार के टैक्स लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में गोल्ड खरीदने पर GST, VAT, मेकिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस और कुछ हिडन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जिससे सोने की कीमत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी दूसरे देश से सोना इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भारी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट काफी ऊपर पहुँच जाता है।
लेकिन दुबई में गोल्ड खरीदने पर टैक्स के तौर पर सिर्फ वेट लगाया जाता है। इसके अलावा और कोई भी टैक्स दुबई आपसे वसूल नहीं करता है। ये वेट भी साल 2018 के बाद से ही लगना शुरू हुआ है। इससे पहले तो दुबई में सोना खरीदना और भी सस्ता हुआ करता था, और अगर आप दुबई में पर्यटक है तो वापस आते समय एयरपोर्ट पर वेट की रकम भी आपको वापस मिल जाएगी, जिससे दुबई में सोना खरीदना काफी सस्ता पड़ जाता है। बस दुबई में आपको गोल्ड रेट के अलावा कुछ मेकिंग चार्जेस और लेबर चार्जेस चुकाने होते हैं। ये मेकिंग चार्जेस ज्वेलरी के डिजाइन, उसके मेकिंग व हाथ से बना है कि मशीन से, और किस देश का डिजाइन है, इन सब पर निर्भर करता है। अगर आप मोल भाव में अच्छे हैं तो मेकिंग चार्जेस में मोल भाव करके ज्वेलरी के रेट कम करा सकती है। दुबई में कई दुकानें तो ऐसी भी खुल गई है जो 0% मेकिंग चार्जेस पर सोना बेचने का दावा कर रहे हैं। दुबई में हर ज्वेलरी पर आपको हॉलमार्क देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ज्वेलरी खरीदने पर पक्का बिल और रसीद भी आपको दी जाएगी। अगर दुबई में कोई दुकानदार नकली सोना बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर UAE एंटी फ्रॉड लॉ के तहत मामला दर्ज किया जाता है, और कानूनी कार्रवाई के बाद धोखा करने वाले व्यक्ति पर 2 करोड़ का जुर्माना या 2 साल की जेल सुनाई जाती है। और दुबई के सख्त कानून के आप सभी वाकिफ ही होंगे, यहाँ पर कोई भी केस कोर्ट में सालों साल नहीं चलते, उनका जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाता है और दोषी को सजा सुना दी जाती है। इसी वजह से दुबई में कोई भी व्यक्ति नकली सोना बेचने की हिम्मत नहीं करता। दुबई में इंस्पेक्टर्स कभी भी दुकानों पर निरीक्षण करने के लिए आ जाते हैं, और एक वजह ये भी है कि कोई दुकानदार यहाँ पर हेरा फेरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुबई का स्टैंप लगा हुआ सोना आप दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। अगर आपने दुबई से गोल्ड खरीदा है तो उसका वजन पूरा होगा, और साथ ही साथ उसकी शुद्धता पर भी कोई संदेह नहीं करेगा। दुबई में सोने का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। दुबई के एकमात्र 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब में हर जगह आपको सोना ही सोना नजर आएगा। होटल में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आप सोने की दुकान में आ गए हैं। इस होटल में 22,000 स्क्वायर फीट सोने की परत का इस्तेमाल किया गया है। दुबई में तो खेलों के दौरान भी लोगों को सोने के उपहार दिए जाते हैं। कई प्रतियोगिताओं में तो आप यहाँ से सोने की ईंट जीत कर भी अपने घर लेके जा सकते हैं। दुबई में कई बार एयरपोर्ट पर या इवेंट्स में एक कांच का बॉक्स बना दिया जाता है, जिसमें कुछ सोने की ईंट रख दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इसमें से सोने की ईंट निकालने में कामयाब हो जाता है तो वो इस ईंट को अपने साथ घर ले जा सकता है। दिखने में ये खेल जितना आसान लग रहा है, असल में ये उतना ही पेचीदा होता है, और आज तक चंद लोग ही इस खेल में जीत पाए हैं। दुबई में ही दुनिया की सबसे बड़ी सोने की अंगूठी भी देखने को मिल जाएगी। इस अंगूठी का वजन 64 किलो है, और अंगूठी का नाम नजमत तैबा है। इस अंगूठी की कीमत $3 मिलियन से भी ज्यादा है। दुबई की गोल्ड सुक मार्केट में आपको वर्ल्ड फेमस ज्वेलर्स के अलावा मालाबार कल्याण और तनिष्क जैसे इंडियन ब्रांड्स के स्टोर भी देखने को मिल जाएंगे। दुबई से सोना खरीदने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। भारत के बाद चीन, पाकिस्तान, बेल्जियम, सऊदी अरब, ओमान, कनाडा जैसा देशों का नंबर आता है। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने दुबई से सोना लाने की लिमिट तय की हुई है। एक भारतीय पुरुष दुबई से एक बार में सिर्फ 20 ग्राम गोल्ड या फिर 50,000 रुपए तक का सोना ही भारत में ला सकता है। इससे अधिक मात्रा में सोना लाने पर पहले कस्टम विभाग 10% टैक्स वसूल करता था, जिसे बढ़ाकर अब 12.5% कर दिया गया है। आपको एक बात और बता दें कि अगर आप दुबई जा रहे हैं और हाथ पर आपने सोने की अंगूठी, कढ़ा और गले में चेन पहनी है, तो एयरपोर्ट पर एक फॉर्म भरकर उसके बारे में जानकारी अवश्य दे दें, और दुबई से आपने जो भी गोल्ड का सामान खरीदा उसका बिल आपके पास जरूर होना चाहिए, जिसे आपको एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर दुबई में सोना भारत के मुकाबले कितना सस्ता है। पूरी दुनिया में सोने का रेट इंटरनेशनल लेवल पर देखकर तय किया जाता है। उसके बाद देश में अलग अलग टैक्सेस के आधार पर अलग अलग देशों में सोने की कीमत तय की जाती है। भारत में सोने का रेट अगर 52,000 रुपए तोला है तो दुबई में आपको ये सोना 2170 दिरहाम यानी कि लगभग 45,000 में ही मिल जाएगा। और बात यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं आती है, सोना खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता की भी अहमियत होती है।
सभी देशों के मुकाबले दुबई का गोल्ड कई गुना बेहतर है। दुबई हर साल इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड बेच तो रहा है और खूब पैसे भी कमा रहा है। अफ्रीका देशों से दुबई तक सोना पहुंचाया जाता है। अफ्रीका में न सिर्फ मजदूरों से बल्कि छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं से सोने की खदानों में काम कराया जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में सोने का उत्पादन हो सके और ये सारा सोना दुबई तक पहुंचता है। खदानों में काम करने के कारण कितनी ही शारीरिक समस्याओं का सामना बच्चों को कच्ची उम्र में करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यही कारण है जिनकी वजह से दुबई में सोना इतना सस्ता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।